अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं, उससे पहले हमारे इस चैनल और क्रिएटिव ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसकी सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, तो प्लीज जल्दी जल्दी फॉलो करिए एंड जल्दी जल्दी शेयर करिए। गाइस आते हैं आज की वीडियो के टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हाईएस्ट पेड भोजपुरी एक्टर। देखते गाइस की सबसे ज्यादा पेमेंट कौन लेता है भोजपुरी एक्टर, नॉट एक्ट्रेस ओनली एक्टर। देखते हैं टॉप बॉटम में कौन है और टॉप पे कौन है। मेरे ख्याल से खेसारी लाल या पवन सिंह जी ही होने ही चाहिए। बट देखते हैं, पहले मनोज तिवारी जी थे वो, अब लेकिन अभी या 2021 का है ये, तो देखते हैं गाइस। वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस, हमें बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है कि देखते हैं हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस कौन है भोजपुरी में। इसके बारे में कि आखिर 2021 में एक फिल्म का कितना चार्ज कर रहे हैं अपने भोजपुरी स्टार, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सबको तो पता ही है कि अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है। दोस्तों इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में ना ही यहाँ के सिर्फ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का सपोर्ट है, बल्कि इस इंडस्ट्री के स्टार्स भी अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों इस बात का पता इस बात से चलता है कि दोस्तों कई सारे स्टार अपनी फीस को डायरेक्टर के हिसाब से ऊपर नीचे करते रहते हैं ताकि भोजपुरी में बढ़िया फिल्में बनाई जा सके। दोस्तों हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान दिनेश लाल यादव और इसके साथ ही और प्रदीप पांडे चिट्टू ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, उन्होंने कई बार कई सारे डायरेक्टर के लिए अपनी फीस को बहुत कम किया है ताकि बढ़िया फिल्में बनाई जा सके। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने अपनी फीस कम करके, बहुत फीस कम करके मैंने वो फिल्म में काम किया है कि ताकि वो फिल्में लोगों तक पहुंचे, वो फिल्म हमारे। वेल दोस्तों इस बात से आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में भले ही मैं आपको इन स्टारों की फीस का एक रेंज आपको बता दूँ, लेकिन दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी किसी भी स्टार्स की फीस पूरी तरीके से फिक्स नहीं है और ये डिमांड के ऊपर रहता है, फिक्स नहीं। कई बार भोजपुरी स्टार अपनी फीस को बहुत ही कम कर देते हैं ताकि बढ़िया फिल्म भोजपुरी। वीडियो में एवरेज बताया गया कि एवरेज कितना लेते हैं। ये जानते हैं कि आखिर भोजपुरी स्टार 2021 में एक फिल्म का कितना चार्ज कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं नंबर 11 की, तो दोस्तों नंबर 11 पर है गुंजन सिंह। दोस्तों अभी हाल ही में गुंजन सिंह ने पवन सिंह के साथ एक फिल्म साइन की है जिस फिल्म का नाम है जिगर के टुकड़ा। वेल इस बात से पता चलता है कि गुंजन सिंह की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। वेल दोस्तों आपको बता दें कि इनकी पॉपुलैरिटी के साथ साथ इनकी फीस भी बढ़ी है और दोस्तों अभी 2021 में गुंजन सिंह अपनी एक फिल्म के लिए 15 से 20 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 10 की, तो दोस्तों नंबर 10 पर है प्रमोद प्रेमी। दोस्तों अपनी सिंगिंग से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बटोरने के बाद प्रमोद प्रेमी ने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया और दोस्तों आपको बता दें कि दर्शकों ने भी इनकी एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है और इस वजह से प्रमोद प्रेमी एक बढ़िया एक्टर के रूप नज़र आ रहे हैं। वेल आपको बता दें कि प्रमोद प्रेमी ने भी 2021 में अपने फीस को थोड़ा सा बढ़ाया है और दोस्तों ये भी 15 से 20 लाख रुपये पर फिल्म चार्ज कर रहे हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं नंबर 9 की। दोस्तों नंबर 9 पर है राकेश मिश्रा। वेल वैसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में राकेश मिश्रा काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। इतने लंबे समय से इस इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद भी राकेश मिश्रा एज ए हीरो अपने आप को उतना बढ़िया स्थापित नहीं कर पाए हैं और दोस्तों शायद यही कारण है कि राकेश मिश्रा हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर है। वेल आपको बता दें कि राकेश मिश्रा एक फिल्म के लिए 20 से 25 लाख रुपये चार्ज करते हैं। दोस्तों बात करते हैं नंबर 8 की, तो दोस्तों नंबर 8 पर है रितेश पांडे। अपनी सिंगिंग से लोगों का दिल जीतने के बाद रितेश पांडे ने अपना फिल्मी करियर स्टार्ट कर दिया है और दोस्तों जनता ने भी इन्हें एज ए हीरो काफ़ी पसंद किया है और दोस्तों शायद यही कारण है कि बहुत ही कम समय में रितेश पांडे जैसे एक्टर बतौर हीरो अपनी फिल्म के लिए अच्छा खासा चार्ज कर रहे हैं। वेल आपको बता दें कि रितेश पांडे 2021 में एक फिल्म का 20 से 25 लाख रुपए लेते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 7 की, तो दोस्तों नंबर 7 पर है अरविंद अकेला कल्लू। फिर दोस्तों आप सबको पता अकेला कल्लू कि अरविंद अकेला कल्लू अपनी सिंगिंग के लिए जाने जाते हैं। छोटे वन में उसके गाने सुनते थे हम। अरविंद अकेला खुद अपनी सिंगिंग से ज्यादा अपनी एक्टिंग पर फोकस कर रहे हैं और दोस्तों गानों से ज्यादा
वो फिल्मों में नजर आते हैं। मिल दोस्तों, पिछले 5 सालों में अरविंद अकेला कल्लू ने कई बेहतरीन फिल्में दी हैं और दोस्तों शायद यही कारण है तो अरविंद अकेला कल्लू एक फिल्म के लिए 25 से 30 लाख रुपए चार्ज करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 की। तो दोस्तों नंबर 6 पर हैं यश मिश्रा। मिल दोस्तों, यश मिश्रा ने अपनी करियर की स्टार्टिंग एज अ हीरो ही की थी और आज भी वो अपनी एक्टिंग के बल पे इस इंडस्ट्री में बने हुए हैं कि फिल्में लोगों को काफ़ी पसंद आती है और शायद यही कारण है कि हर साल इस स्टार की 4-5 फिल्में तो आती ही आती हैं। वेल, अगर पैसों की बात करें तो यश मिश्रा एक फिल्म का 25 से 30 लाख रुपए चार्ज करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 की। तो दोस्तों नंबर 5 पर है प्रदीप पांडे चिंटू। दिल दोस्तों पिछले सालों में जिस तरह की फिल्में प्रदीप पांडे चिंटू ने बनाई है, दिल दोस्तों लोगों का ऐसा मानना है कि प्रदीप पांडे चिंटू जैसा स्टार ही भोजपुरी इंडस्ट्री को बदल सकता है। फिर अगर बात करें इनके चार्ज की तो दोस्तों पर फिल्म का ये 35 से 40 लाख रुपए चार्ज करते हैं और दोस्तों इनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रहती है। आइए दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 की। तो दोस्तों नंबर 4 पर हैं भोजपुरी के जुबली स्टार यानी कि दिनेश लाल यादव। एक से एक सुपर हिट फिल्में हर साल देते हैं और दोस्तों इसी तरह इनकी फीस भी हर साल थोड़ी बहुत बढ़ती है। वेल दोस्तों, अगर 2021 की बात करें तो इस साल दिनेश लाल यादव एक फिल्म के लिए 50 से 55 लाख रुपए चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों बारी आ गई है नंबर 3 की और दोस्तों नंबर 3 पर है भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव। ये नंबर 3 पे आपको बता दें, खेसारी लाल यादव ऐसे एक्टर हैं जिनकी हर साल कोई ना कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर रहती है और दोस्तों इसी वजह से इनकी फीस भी काफ़ी ज़्यादा है। वेल दोस्तों, आज की डेट में खेसारी लाल यादव भोजपुरी में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले एक्टर हैं और दोस्तों भोजपुरी में एक बहुत बड़ी ऑडियंस खेसारी लाल यादव को फॉलो करती है। वेल आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव 2021 में अपनी एक फिल्म के लिए 60 से 70 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों नंबर 2 की। नंबर 2 पर है रवि किशन। दोस्तों रवि किशन एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने ना सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है बल्कि बॉलीवुड में भी काफी नाम कमाया है। इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। साउथ में भी हैं वो, बॉलीवुड में इंडस्ट्री की बात करें रवि किशन दूसरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए काफी ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन दोस्तों रवि किशन जब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वो भोजपुरी स्टार्स के जितना ही पैसा लेते हैं। फिर अगर फीस की बात करें तो रवि किशन एक फिल्म के लिए 60 से 70 लाख रुपए चार्ज करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं नंबर 1। तो दोस्तों पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की डेट में भोजपुरी में सबसे ज्यादा चार्ज करने वाले एक्टर पवन सिंह बन चुके हैं। और दोस्तों ऐसा इसलिए है, दोस्तों पवन सिंह की ना ही सिर्फ गानों को पसंद किया जाता है बल्कि इनकी फिल्में भी सिनेमा हॉल में ब्लॉकबस्टर साबित होती हैं और दोस्तों शायद यही कारण है कि डायरेक्टर पवन सिंह को काफ़ी ज़्यादा पैसा भी पे करते हैं। फिर दोस्तों आपको बता दें कि डायरेक्टर ने पवन सिंह को 1 करोड़ रुपए पे किए थे फिल्म क्रैक फाइटर के लिए। अगर नॉर्मल रेंज की बात कर लें तो पवन सिंह भोजपुरी में एक फिल्म करने का 70 से 80 लाख रुपये चार्ज करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की रिपोर्ट। टॉप 1 पे है। कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बेहतरीन गाइस वीडियो अच्छी थी पर हमें लगा था कि फन और हमें लगा था फर्स्ट देखो पवन जी या खेसारी लाल यादव ये तो फर्स्ट या सेकंड पे ही होंगे, पर रवि किशन जी की बात ही अलग है, वो तो बॉलीवुड में काफ़ी फेमस है। तो गाइस आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से नंबर 1 पे कौन है। अभी तो पवन सिंह जी हैं, सच्ची बात पवन सिंह जी हैं। खेसारी लाल यादव जी फर्स्ट या सेकंड पे ही होने चाहिए थे, बोले वो तो पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी ऐसे हैं कि क्या बताएं। गाइस गाने इतने अच्छे हैं, गाने एक्टिंग और उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है बहुत शानदार है। गाइस ये अभी का ये ज़्यादा पुराना नहीं है, अराउंड 2 से 3 मंथ्स पुराना है। आप लोग अपने हिसाब से बताइए कि टॉप पे कौन है। अगर आप लोग को नॉलेज है, जानकारी है कि हमें शेयर कीजिए कि नहीं इसमें कुछ गलत है, इतना नहीं पे करते या गलत बताया गया, जो भी आप हमें अपनी राय देना चाहते हैं नीचे कमेंट में दे सकते हैं। और गाइस बात करें आपकी तो नेक्स्ट वीडियो का सजेशन भी हमें नीचे कमेंट में देते हैं, जब देते आ रहे हैं हम करते रहें और भी दे सकते हैं। आप चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके लिंक दे सकते हैं, नए टॉपिक बता सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम लाइव भी आएंगे तो लाइव फेस टू फेस आपसे बात करेंगे। आप लोग रेडी रहिएगा, जब हम शेड्यूल डाल देंगे तो आप लोग देखते रहिएगा, कोई भी शेड्यूल मिस मत कीजिएगा।
ऐसे प्यार बरसाते रहिए गाइस, नए नए टॉपिक पर वीडियोस लाते रहेंगे। आपको कुछ बोलना है? नहीं, हम बोल चुके हैं। गाइस ऐसे प्यार बरसाते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।